उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से शायद ही कोई बच पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सदन से ही सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की बात कही है। ये तो समझ में आता है कि यूपी में अपराधी अपराध करने से पहले एक बार सरकार के बारे में जरूर सोचेगा, लेकिन इस सरकार में जो अपराध पहले भी कर चुकी हैं उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 19 साल पहले कानपुर के विधायक सलील बिश्नोई पर लाठी चार्ज कर टांग तोड़ देने वाले सीओ व 5 पुलिस कर्मियों को विशेषाधिकार हनन के मामले में विधानसभा में पेश करने के आदेश जारी हुए हैं। आज सभी को पेश होना है। ये तो स्वाभाविक बात है कि समाजवादी सरकार में हुए इस वारदात पर समाजवादी की प्रतिक्रिया जरूर आएगी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये परंपरा गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ये सभी 5 पुलिस वाले 2005 में ही विशेषाधिकार समिति की जांच में दोषी पाए गए थे। समिति की रिपोर्ट पर उन्हें तलब करने के आदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिया है। शुक्रवार को सदन के इस मामले में फैसला सुनाएगा। डीएसपी पद पर तैनात तत्कालीन सीओ अब्दुल सहमत बाद में प्रशासनिक सेवा में आ गए। वे आईएएस हो गए हैं और हाल में ही रिटायर हो चुके हैं। वहीं ऋषिकांत शुक्ला, त्रिलोकी सिंह, छोटे सिंह, विनोद मिश्रा व मेहरबान सिंह अभी भी सेवा में हैं। 27 फरवरी 2023 को विशेषाधिकार समिति ने विशेषाधिकार हनन व सदन में अवमानना के दोषी पुलिस कर्मियों को कारावास का दंड देने की संस्तुति की है। समिति ने विशेषाधिकार हनन के संबंधित प्रस्ताव गुरुवार को सदन में सम्मानित से पास कर दिया। डीजीपी को सभी पुलिसकर्मी को हिरासत में लेकर आज दोपहर 12 बजे तक सदन में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। उन्हें क्या दंड दिया जाए इस पर शुक्रवार को चर्चा भी होगी। दोषी को कटघरे में खड़ा करने का प्रावधान है।